हेलो बच्चों, क्या हाल है? कैसे चल रहा है? अभी मैंने जो थर्ड स्टेट की सीरीज शुरू की है, सीरीज में खास बात क्या है कि अब तक मैंने सिर्फ बेसिक पिछली इस वीडियो में सिर्फ बेसिक बात देखी कि किस लाइन है, मॉर्फो सॉलिड्स क्या होता है, थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं किस लाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, मॉर्फो सॉलिड्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने होते हैं। लेकिन इस पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है कि हमें सॉलिड के अंदर जो एटम प्रेजेंट है या पार्टिकल प्रेजेंट है उसको अरेंजमेंट को समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा डेप्थ इन्फॉर्मेशन। जाहिर सी बात है कि हम नॉर्मल एक सब्सटेंस को देख पाते हैं, एक अच्छे बल्क ऑफ मॉलिक्यूल को देख पाते हैं हम, सिंगल या दो या तीन मॉलिक्यूल को देखना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे कंडीशन में क्या है, हमारे पास एक नई थ्योरीज आई जो क्रिस्टल लैटिस, लैटिस एक नया टॉपिक आया। इस टॉपिक के अंदर क्या है कि हम एटम के अंदर पार्टिकल अरेंजमेंट को जानने की कोशिश करेंगे जो क्रिस्टलाइन साइंस के थॉल्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके अरेंजमेंट को समझना या जानना, वही बेसिकली क्रिस्टलाइन लैटिस कहलाता है। ये लैटिस क्या है, बहुत सारे से फैक्टर्स में नजर आएंगे, इसमें बहुत इत्मीनान से और समझ के पढ़ने की चीज है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको अंडरस्टैंड करने में, बट होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीजें सारी समझ में आए। ठीक है, मैं टॉपिक पे वापस आता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं व्हाट इज लैटिस। एक्चुअली एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक होता है। इस टेक्निक का फंक्शन क्या है कि हम क्रिस्टल के अंदर, ये क्रिस्टल है हमारे पास, इसमें हम एक्सरे पास कराते हैं। एक्सरे पास कराने के बाद जो पार्टिकल यहां अरेंज होते हैं, जो पार्टिकल है हमारे पास, एक बहुत सारे स्क्रीन पे यहां पे हम बहुत सारे डॉट्स मेरे पास आते हैं। इस डॉट्स को मैंने जो डॉट्स से रिप्रेजेंट किया है, दैट डॉट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट कहलाता है। लैटिस पॉइंट का मतलब ये बेसिकली एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटम कह सकते हैं पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। इसी पिक्चर को अंडरस्टैंड करना ही बेसिकली क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर ये सॉलिड स्टेट का बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमें ये जानना है कि जो भी सॉल्ट हमारे पास प्रेजेंट है, NaCl, KCl या CaCl2 इस टाइप के सॉल्ट जो प्रेजेंट है, उसके अंदर कैल्शियम आयन कहां प्रेजेंट है, सोडियम आयन कहां प्रेजेंट है, Cl आइटम कैसे प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइन लैटिस में कैसे आपस में जुड़े होते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं दूसरे को, उसके अंदर बारीकी से समझिए कि हमें क्रिस्टल के इनसाइड जाना है, जाके हमें देखना पड़ेगा। उसी पिक्चर को ये क्रिस्टलाइन लैटिस टॉपिक क्लियर करेगा, इस विषय को समझाने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि लैटिस क्या है, लैटिस को डिफाइन करेंगे द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस is represented by dot is called lattice कहलाता है, is called lattice। इसी में एक टर्म आएगा यूनिट सेल। यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं द सिंपल रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट इन लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसको भी आगे डिटेल समझाएंगे, आपको बताएंगे आपको। अब लैटिस पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स थे तो पॉइंट्स को तीन तरीके से स्टडी किया। पहले बात वन डायमेंशन लैटिस की बात की इन्होंने, वन डायमेंशन का डायमेंशन में बात करते, जैसे एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, चार पार्टिकल, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल। तो गौर से देखिए ये पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या, इधर जा रहा है ये पार्टिकल, इधर जा रहा है, मतलब एक ही एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर एक एक्सिस पे लाई कर, दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन। बीच की जो दो पार्टिकल बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज ए, दैट इज ए, दैट इज ए, दैट इज ए, दैट इज ऑलवेज सेम। अगर हम किसी भी एक्स एक्सिस में देखेंगे, दैट पार्ट इज कॉल्ड यूनिट सेल, इसके लिए बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होगा, दो पॉइंट जो आपके नजर आ रहे हैं, हर दो पॉइंट इक्विडिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो इसे लाइन सिस्टम हम कहते हैं, बिकॉज हमने इसे लाइन की तरह देख रहे हैं। सेकेंड, अगर आप जाते हैं इसको टू डायमेंशन में जाने, टू डी लैटिस पे जाएंगे, टू डायमेंशन का मतलब जाहिर सी बात है यहां पे हम एक्स और वाई दोनों एक्सिस की बात करेंगे। एक्स और वाई एक्सिस की बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइन तो हमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक उसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। अब इसकी स्टडी करें तो अब इस पॉइंट को मिलाया जाता है, मिला दिया आपस में। तो हम एक बात कह सकते हैं, इसको अगर हमने बी मान लेते हैं साइड्स को, इसको हम ए मान लेते हैं, और इसमें एक एंगल भी मिलेगा आपको, इसे अल्फा मान सकते हैं। तो अगर आप सिंपल, अगर मान लीजिए ये रिपीटिंग यूनिट है, देखिए सब स्क्वायर एक्सिस लाई कर रहा है, एक एक्सिस हम कह सकते हैं एक्स, दूसरा क्या ले लिया आपने वाई, दैट इज कॉल्ड इसे, ये अगर ये रेगुलर अरेंजमेंट ऐसा स्क्वायर हमें दिखता है,
इसका मतलब समझिए दैट इज कॉल्ड टू डी लैटिस प्रेजेंट है। लैटिस में अगर हम पैरामीटर की बात करें, आपने तीन पैरामीटर लिया, एक तो साइड ए लिया, एक साइड बी लिया, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया, एक आपने वाई एक्सिस लिया, दूसरा आपने अल्फा इज एन एंगल लिया, ये तीन पैरामीटर कहलाता है। कहता है अगर हम इस तीनों पैरामीटर के भाव पे अगर हम क्रिस्टल को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो नेचर में जितने सारे सॉल्ट पाए जाते हैं बहुत वैरायटीज ऑफ हमें इस टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक्चुअली ये डॉट दिख रहा है, इस डॉट को इसने क्या किया, लाइन में अरेंज करने की कोशिश की, इसको बड़ा किया होगा, लाइन में मिलाया गया होगा, मिलाने के बाद उसे चेक किया तो पर साइड कहीं पर सेम कहीं पर डिफरेंट मिल रहा था, सेम साइड भी हो सकता है डिफरेंट साइड भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में टू डी पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर मैंने बताया 1D, सेकंड पैरामीटर 2D, अब थर्ड पैरामीटर में बाद में, पहले हम 2D से समझते हैं। पैरामीटर में अगर हम बात करें तो 2D पैरामीटर में हम इसको 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 5 टाइप्स क्या है देखिए आगे समझ में आएगा। इसने स्क्वायर, स्क्वायर कैसे बन सकता है, स्क्वायर का मतलब अगर ए और बी का साइड बराबर हो जाए और अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब ये सकल कैसे बनेगी, स्क्वायर की तरह बनेगी। सेकंड आपका है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, इक्वल टू क्या हो सकता है 90 डिग्री हो सकता है। अगर ए बी के बराबर तो स्क्वायर, ए बी के बराबर नहीं। सी पार्ट आपका होता है रोम्बिक, रोम्बिक में कहते हैं ए बी के बराबर होगा बट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये सब टू डायमेंशन में चल रहा है। डी कहा पैरेललोग्राम भी बन सकता है, इसमें ए इज नॉट इक्वल टू बी बट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, पैरेललोग्राम ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड अल्फा इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर आप ई में आते हैं दैट इज कॉल्ड हेक्सागोनल, तो कहता है अगर मान लीजिए ए इज नॉट इक्वल टू बी और अल्फा इज इक्वल टू अगर 60 डिग्री एंगल मेंटेन करता है, तो इन तीन पैरामीटर के हिसाब से हम कह सकते हैं यहां पे 5 टाइप के क्रिस्टल्स के शेप या साइज या स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं, शेप नजर आते हैं। सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर किसी का होता है 2D में, वही होता है पैरेललोग्राम का।